अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं निजामुद्दीन और आप देख रहे हैं अली इमाम मिलो चैनल। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था तो मैं आया था पासपोर्ट अपना रिन्यूअल कराने। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप कैसे कहां जाकर पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं मैं आ गया हूं उम्मुल हमाम हम एम्बेसी के पास, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट था। जैसे हम गेट पे घुसे वहां पे हमारा अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया गया, उसके अंदर जाने दिया गया हमारा। देख सकते हैं लिखा हुआ है पासपोर्ट सेवा केंद्र। उसके बाद जैसे हम एंट्री किए देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है, चार पांच लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो जैसे अब हमारा नंबर आ गया हम वहाँ पे गए तो सर कुछ काम करे, थोड़ा एक रुके वहाँ पे। फिर उन्होंने मेरे पास पासपोर्ट मांगा और जो फाइल थी वो पूरा फाइल हमने उन्हें दिया। उसके बाद कुछ वेरीफाई किए उन्होंने। उसके बाद टोकन जनरेट करने के लिए वो जो बगल में सार बैठे थे उनको पासपोर्ट भेजा उन्होंने। उसके बाद जब वो हमें पासपोर्ट मिल जाएगा और टोकन मिल जाएगा उसके बाद हमें ऊपर जाना होगा जहाँ पे वो मेन काउंटर है वहाँ पे जाना होगा। तो देख सकते हैं अब सर ने ये जो हमारा पासपोर्ट है वो बगल पर जो काउंटर बैठे उनको दे दिया। उसके बाद उनसे हम थोड़ी सी बात किया, पूछा हमने पासपोर्ट हमारा कब मिलेगा। तो उन्होंने बताया 10 दिन का अंदर मिल जाएगा आपका। उसका फिर उन्होंने हमें अपना जो टोकन जनरेट हुआ था हमारा वो टोकन हमें उन्होंने दिया। और टोकन लेके हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो चल के हम आपको दिखाते हैं ऊपर में हमारे साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा हुआ और कितना पैसा लगा, वो हम पूरे आपको बताएँगे इस वीडियो में। तो अब जैसे कि हमने ऊपर गया तो वहाँ जो हमारा नंबर था सबसे पहले था वहाँ हमने गया तो पूरे काउंटर खाली था। उसके बाद सर ने हमें बुलाया और पूरा हमने वहाँ पे अपना दिया और सिग्नेचर किया वहाँ पे। सिग्नेचर करने के बाद पूरा हमने पैसा वहाँ पे जमा किया, जिसका 302 रियाल वो पासपोर्ट का रिन्यूअल का था और 47 रियाल डिलीवरी चार्ज था। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप अपना पासपोर्ट ऑफिस में आकर लेंगे या मैं आपका घर भेजा दूँ। तो हमने बोला कि नहीं हमें अपने रूम पे चाहिए, तो उन्होंने 47 रुपये उसका लिया। उसके बाद हमें यह पीएससी जो है कागज़ हमें दे दिया, इसी पे सब कुछ लिखा होता है आपका कि आपका पासपोर्ट कब मिलेगा और कितना पैसा आपने जमा किया है और क्या जीएसटी कितना है, सब कुछ वहाँ पर टोटल आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह आप अपना पासवर्ड रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।